सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय सेव धनु तोरा साहस बाहु समसोरी बोरा। जिसने भी धनुष का खंडन किया है वो महात्मा जी का बैरी है, और साधारण बैरी नहीं है, साहस भाव समसोरी बोरा, शास्त्र भाव अर्जुन के समान वो महात्मा जी का बैरी है। करे सोब लगाओ सो माने बाप, लगाओ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाज माने समाज। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया, नहीं क्या किया जाएगा, तो करें कि नत मारे जाइए सब। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग न हुआ तो फिर महात्मा जी के द्वारा सभी राजा मारे जाएंगे, ऐसा निर्णय समाज के मध्य में महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा लिया गया। विचार करने लगा, राजा क्यों मारे जाएंगे, क्या अपराध राजाओं के द्वारा किया गया है, और अगर राजाओं के द्वारा अपराध किया गया है तो क्या सब राजाओं के द्वारा अपराध किया गया है। तो विचार करने लगा, और राजा समाज में दो प्रकार के हैं, एक वो राजा है जो धनुष तोड़ने के लिए गए लेकिन तोड़ना तो दूर भैया हिला भी नहीं पाए, तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए, तमकता तक शिव धनु धरही उठाई नको भांति बलुक रही, भूम साहस दस एक ही मारा और लगे उठावन पे करई नटारा। श्री हर भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाचार, करई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन मनु सत्य जैसे, जैसे कामी कामी पुरुष के वचनों को सुनकर कभी सती नारी का मन नहीं दिखता है, वैसे ही राजाओं के बल से धनुष नहीं है। जो दूसरे राजा है वो साधु है, उनके लिए कहा गया जिनके कछु विचार मनमाही तो चाप समीप महीप न जाए, वो राजा गए नहीं। तात्पर्य जो गए भैया वो हिला नहीं पाए, और जो बचे वो गए नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि राजाओं के द्वारा धनुष का खंडन नहीं किया गया, और जब राजाओं के द्वारा धनुष का खंडन नहीं किया गया तो फिर राजा मारे क्यों जाएंगे। दंड विधान का एक नियम है, जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक अपराधी को दंड देने का अधिकार नहीं। न्यायाधीश भी जब दंड निर्धारित करते हैं, अपराधी का अपराध जब सिद्ध हो जाता है तभी न्यायाधीश के द्वारा कोई दंड लागू किया जाता है। जब राजाओं ने धनुष तोड़ा नहीं तो फिर राजाओं के लिए ये निर्णय भी महात्मा जी ने जो मारने का लगाया है ये उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, महात्मा जी का जो आदेश है समाज से धनुष तोड़ने वाला अलग हो जाए, भैया अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हो रहा है तो क्या दोष राजाओं का,
भाई किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा आदेशित किया जाए और वो व्यक्ति हमारे आदेश का पालन न करे तो फिर दंड विधान उस व्यक्ति पर लगेगा, न कि समाज पर। समाज में वो बैठा है और अगर हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा तो फिर व्यक्ति विशेष पर दंड का नियम लागू होगा, न कि समाज पर। और आदेश का पालन महात्मा जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को दिया गया है। आदेश का एक जो प्रमुख अंग बनाया गया वो धनुष तोड़ने वाले को बनाया गया, ना कि राजाओं को। हाँ, अगर राजाओं के लिए महात्मा जी का आदेश होता कि राजाओं से अलग कर दे, अब फिर महात्मा जी की बात राजा न मानते, तब ये निर्णय लागू होता कि अगर राजाओं ने मेरी बात न मानी तो फिर सभी राजा मारे। लेकिन राजाओं के लिए कोई निर्णय नहीं, निर्णय केवल धनुष तोड़ने वाले के लिए है। और जब केवल धनुष तोड़ने वाले के लिए निर्णय है तो फिर राजाओं को मारने का जो निर्णय महात्मा जी ने लिया ये न्यायोचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आइए, कह रहे हैं जैसे धनुष तोड़ा, जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा तो विचार करने लगा, शंकर जी है भगवान और ये भगवान का आयोजन, और भगवान का जो हो जाता है पूर्ण रूप से तो फिर संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे हमने तो यहां तक जाना है, अगर भगवान की पूर्ण कृपा हो गई तो मृत्यु को भी हारना पड़ता है, काल को भी हारना पड़ता है। और उदाहरण के लिए एक दृष्टांत में जोड़ी दे रहा हूं, महात्मा मार्कंडे, मार्कंड के पुत्र महात्मा मार्कंडे, आयु केवल 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बाद ये कहा गया था कि बालक संसार से चला जाएगा, अल्पायु। महात्मा मार्कंड ने उपाय किया, क्या किया जाए, भगवान शंकर के चरणों में बालक को समर्पित करने का उपाय बना दिया। कथा पूरी न सुनाकर थोड़े में ही अपनी बात को मैं पूरी कह देता हूं, समझदार लोग हैं और थोड़े में जान नहीं है आने। भगवान शंकर के शरण में जब वो बालक गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, शंकर जी की कृपा हो गई। और जब शंकर जी की कृपा हो गई तो फिर भगवान शंकर की कृपा होने के बाद काल को भी यमराज को भी बालक से हारना पड़ा। 5 वर्ष की आयु में जाने वाला बालक आज भी जीवित है, इसे कहते हैं भावी को मेट देना। और ये बल किसमें है, शंकर जी जो तप करे कुमार तुम्हारी तो भैया भावी मेट सके तुम्हारी। और ये भगवान के, और जब ये भगवान के तो फिर इनकी भी भावी मिट जानी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत कहता है सीम कि चाप सके को तासु और बड़ रखवार रमापति। तो पर ये टूट कैसे गए, धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय कैसे प्राप्त कर ली, ये बात समझ में नहीं आ रही। चलें बाबा जी के पास, दो दो बातें हो जाए। बाबा जी प्रणाम, कल्याण हो बेटा, और सब बढ़िया है, कुशल मंगल। देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है, क्या हो गया, देखो तो। अरे राम राम, मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है, ऐसा हो गया। और वो भी मिथिला ज्ञान समाज, ये तो उपयुक्त नहीं है महाराज, काहे क्रोध कर रहे हैं, आपका क्या बिगड़ गया। अरे जिस कार से सारा समाज प्रसन्न है,
जन समाज जिस कार से प्रफुल्लित है, साधु संत जिस कार से प्रसन्न है, उस कार से आप क्रोधित है, उस कार से आप दुखी है। क्यों? मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, बहुत तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, बहुत भी तोड़ी लड़काई, तब कहा नास्त्री स्कीन गोसाई, तो क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो मैं जानना चाहता हूँ यही धनुष पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता का मूल प्रश्न क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? आदरणी, परमादरणी, प्रथस्मणी, श्रद्धे, प्रमुश्रद्धे, आचार, वरेण, तपस्वी, तपोनिष, ब्रह्मनिष, ब्रह्मचारियों में सर्व सत्ता प्राप्त करने वाले नैश्चिक उर्धेता बाल ब्रह्मचारी जी महाराज, मैं जानना चाहता हूँ यही धनु पर ममता के ही। ज्ञानी राजा के समाज में विद्वता और उद्दंडता की आग उगलने वाले छोटे राजकुमार एक तपस्वी की तपश्चर्या पर तपाक से तड़ाक सा तमाचा जड़ने का जो तुमने दुस्साहस किया है, इसका परिणाम तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अपने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का जहां से आरंभ किया था, मैं अपने वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला का वहीं से प्रारंभ करता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी के द्वारा समाज में घोषणा कर दी गई है कि धनुष तोड़ने वाले को बाहर किया जाए, सो बिलगाओ बिहाय समाजा, और यदि बाहर ना हुआ तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो सारे राजा क्यों मारे जाएं? और राजाओं की दो कोटियां बताई, दो प्रकार के राजा हैं, एक साधु राजा और दुष्ट राजा है। और उनमें बताया कि दो प्रकार के राजाओं में एक राजा है जो तोड़ने गए नहीं, और एक राजा है जो तोड़ने गए जिनसे टूटा नहीं, जो तोड़ने गए और टूटा नहीं, एक राजा तो वो है। तो ये तब तुमने बता दिया कि उनसे क्यों नहीं टूटा, डगई नसम मुसरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे इत्यादि, तो वो तोड़ने गए। इसका एक कारण और है, कारण ये रहा कि जो तोड़ने गए ये अभिमानी है, ये अभिमानी थे इसलिए इनसे नहीं टूटा, क्योंकि जहां अभिमान होता है तो अभिमान का भगवान भक्षक बन जाते हैं, अभिमान को रखते नहीं। और ये इन राजाओं को अपने बल पर अभिमान था, क्यों? क्योंकि राजा जनक के बंदियों ने जिस समय घोषणा सुनाई, बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह का कहा हम भुजा उठाए विशाल, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा इत्यादि। जब घोषणा सुनी इन राजाओं ने, तो यद्यप सुनी सबने, सुनी पन सकल भूप अभिलाखे, सबने सुनी सबके मन में इच्छा हुई, लेकिन उठे कौन? तो भट मानी, जिनको अपने बल का अभिमान था अतिशय मनमाखे, तो वो उठे और वो तोड़ने के लिए गए, इसलिए इन्हें पराजय का मुख देखना पड़ा। दूसरे राजा जो थे तो उनके लिए कहा गया जिनके कछु विचार मन माही, अब ये विचार कुछ भी हो सकते हैं, है ना, जब इनमें चर्चा होगी तो विचार भी आएंगे सामने, लेकिन जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाए, वो पास में नहीं गए, तो पास में नहीं गए लेकिन आए तो इसीलिए थे, पास में भले नहीं गए, अब इसका कारण उनके मन में कुछ हो गया, मन परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो नहीं गए लेकिन आए तो इसी कार्य के लिए हैं। क्यों? क्योंकि राजा जनक ने बताया कि द्यूप द्यूप के भूपति नाना आए सुन जो हमपन थाना, इसीलिए इनको घोषणा भी सुनाई गई बंदियों के द्वारा,
तो आए इसीलिए है। अब वो चाप के समीप गए नहीं, अब मारे क्यों जाएंगे? इसका सीधा उत्तर ये है कि जिस समय तुम्हारे भैया आए तो तुम्हारे भैया ने कहा नाथ संबोधन भंज निहारा और होई क्यों एक दास तुम्हारा और आज्ञा मांगी आयस काह कही किन मोही, मेरे लिए क्या आज्ञा है ये बताओ। तो हमने तुम्हारे भैया को आज्ञा दी है और तुम्हारे भैया को आज्ञा क्या दी कि सुनो राम जैसी धंतोरा साहस भाव समसोरी मोरा सो बिलगाओ उसको समाज से अलग करके लाओ या फिर बिहाय समाजा। इसमें दोनों भाव निकलते हैं, तोड़ने वाले के लिए भी है कि वो समाज को छोड़कर आ जाए और समाज के लिए भी है कि ये समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए। तो यानी किसी भी तरह से चाहे समाज उसे छोड़ के अलग हो, समाज यानी निकाल के बाहर करे या तो वो स्वयं बाहर आ जाए, दोनों तरह से जैसे भी वो बाहर आ जाए और यदि बाहर नहीं किया गया तो फिर स्थिति मारे जाएंगे सारे राजा, लेकिन तब तक नहीं मारे जाएंगे। अब देखिए तुमने कहा कि इनका दोष क्या है, क्यों मारे जाएंगे राजा, तो स्थिति तब परिवर्तित होगी ना भाई। अभी तो मारे नहीं जाएंगे, मारे कब जाएंगे जब उसको बाहर नहीं करेंगे। तो यानी जो हमारी दृष्टि में अपराधी है तो उसको यदि बाहर नहीं किया जाता है, उसको अलग नहीं किया जाता है, तो यानी अपराधी को छिपाने वाले हो जाएंगे ये, तो दोषी हो जाएंगे। जब दोषी हो जाएंगे तो फिर दोषी मारे जाएंगे, अगर बाहर कर देंगे तो नहीं मारे जाएंगे, दोनों बातें। अब आइए, आपने कहा कि तोड़ने वाला जो है उसको आपने कहा कि दंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, अपराधी को दंड तब तक न बेटा, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अपराधी को दंड दिया जाएगा, अपराधी नहीं होता जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, वो तब तक आरोपी होता है। क्यों? अपराधी हो गया तो फिर अपराध तो प्रमाणित हो गया ना, जब वो अपराध है उसके लिए दंड भी है। और चलिए, आपने कहा कि ये धनुष टूट कैसे गया, दूसरी चर्चा आपकी आई कि धनुष टूट कैसे गया, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि ये धनुष है किसका, तो ये धनुष है भगवान का, भगवान का जो होता है, तो आपने कहा वो टूटता नहीं है ना बेटा, भगवान का जो होता है वो टूट सकता है। क्यों नहीं टूट सकता भाई? जो प्रकृति में है, जो संसार में है और संसार के नियमों का जो पालन कर रहा है, जैसे व्यक्ति आया है वो चाहे जितना भगवान का भक्त हो, क्या जाएगा? नहीं क्या जाएगा ना। अब ये थोड़ा कि भगवान का भक्त है तो जाएगा ही नहीं, तो जो है वो टूट सकता है। अब आपने कहा कि सीम की चाप सकई को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु, एक आपने इसमें उदाहरण जोड़ा कि मार्कंडे जी का, कि जिस समय वो भगवान के शरण में चले गए तो उस समय, तो एक ये उदाहरण आप लाए हैं केवल, और दूसरा आपने दिया सती जी का, भावी मेट सके त्रिपुरारी जो है भावी को मेट सकते हैं, तो उसमें उत्तर तुम्हारे द्वारा ही कर दिया गया। इसमें उत्तर हमें देने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। समझना ये है कि जैसे तुमने कहा कि भगवान का जो होता है वो टूट नहीं सकता, भगवान का जो होता है तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, तो उत्तर इसमें आ गया क्या कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, यदि तप करे तो भावी मेट सकते हैं, अन्ना तप करे तो करना पड़ेगा ना। भक्त है लेकिन जैसे आपने मार्कंडे का उदाहरण दिया तो उन्होंने किया, मार्कंडे को ऐसे थोड़ो चिरंजीवी का वरदान मिल गया, मार्कंडे ने किया, भगवान शंकर के शरण में गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया,
किया कि नहीं, तो जब किया तो उसका परिणाम उन्हें मिला। और ऐसे तो भगवान के सब है, भगवान का है कौन नहीं, भगवान का कौन नहीं है, भगवान के तो सब है, क्योंकि सबको उसने पैदा किया है तो सब भगवान के हैं। भगवान ने स्वयं कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, सब मुझको प्रिय हैं, सब उसको प्रिय भी हैं, लेकिन जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। अब धनुष की बात है कि बचा लेते तो बेटा धनुष ने ये तो कहा नहीं, धनुष ने अगर कहा होता पुकार लगाई होती तो न परमात्मा सुनता तब ये बात तुम्हारी लगती कि भावी मेट सकते हैं, तो क्यों नहीं मेटी, तो इसलिए नहीं मेटी गई कि धनुष ने पुकार नहीं लगाई। धनुष अगर पुकार लगा देता तो क्या धनुष को तोड़ पाता कोई, धनुष अगर पुकार लगा देता तो धनुष को कोई तोड़ पाता, टूट सकता था समय आने पर, क्योंकि जब जिसका समय आ जाता है तो वो चला जाता है, तो इसलिए समय आने पर हो सकता है, लेकिन बीच में अगर कोई उस पर अपराध करेगा तोड़ेगा तो फिर वो अपराधी होगा। इसलिए जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो हमारी दृष्टि में अपराधी है। आपने कहा जिस कार्य से सब लोग प्रसन्न हो तो कार्य अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छा है, सब लोग प्रसन्न हो, तो देखो जिसको जैसा चाहिए जब उसके मन का हो जाता है तो सब प्रसन्न होते हैं, और उसमें कारण धनुष नहीं है, धनुष के टूटने से सब प्रसन्न नहीं है, धनुष के टूटने पर इनको जो चाहिए उसकी प्राप्ति हो गई है। क्यों? धनुष के टूटने पर हमें जो चाहिए वो मिल गया है, इसलिए प्रसन्न है। अगर धनुष के टूटने पर वो न मिलता तो क्या ये प्रसन्न होते? तो धनुष के टूटने पर प्रसन्न नहीं है, टूटने के बाद परिणाम जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि उस परिणाम की इनको आशा पहले थी, ये चाहते थे कि ऐसा हो, तो इसलिए वो हो गया, तो इसलिए प्रसन्न है। और जहां बात रही सबकी कि समाज प्रसन्न हो, तो देखो समाज तो एक जगह और है, वो भी प्रसन्न है, तो किसी के कार्य से कोई प्रसन्न हो तो ये कार्य सही है कि गलत है, ये प्रसन्नता के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। जैसे रावण है तो उसके कार्य से भी प्रसन्न है, उसके लोग प्रसन्न है, क्यों? जेहि जस जोग बांट ग्रह दीन है, तो सुखी सकल रचनीचर, सुखी किया उसने, तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि कार्य से प्रसन्न है, इनको जैसा चाहिए वैसा मिल गया। और चलिए आपने कहा कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु नासरिस कीन गोसाई, हमने लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, तो देखो बेटा वो तुम्हारी अवस्था जो थी वो तुम ही कह रहे हो कि लड़काई की थी। लड़काई अवस्था में बालक जब होता है तो छोटा होता है, और लड़काई अवस्था का बालक बहुत से ऐसे कार्य करता है कि जिनको देख करके कोई क्रोध नहीं करता, उसको दोष नहीं देता, और माता पिता जो होते हैं प्रसन्न भी होते हैं। अच्छा जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, लड़काई अवस्था का बालक जब छोटा होता है तो अपने कपड़े उतार देता है, मिट्टी में लोट जाता है, और मार्ग से अगर कोई जा रहा हो तो कहो मिट्टी उठावे उसके ऊपर डाल दे, तो व्यक्ति क्या करता है अपने ऊपर पड़ी मिट्टी को देखता है, अब बालक को देखता है, अब मिट्टी को झरियाता है, चला जाता है। लेकिन वही बालक अगर बड़ा हो जाए, अब बड़ा होने पर अपने कपड़े उतार के फेंके, अब मिट्टी में लोटे, अब फिर मार्ग में कोई जा रहा हो उसके मिट्टी उठा के डाले, तो क्या लोग अपनी मिट्टी झरिया के जाएंगे? मिट्टी झरिया के नहीं जाएंगे, इसको झरिया के जाएंगे। हाँ ये है, तो इसलिए जो लड़काई में कार होते हैं वो लड़काई में अच्छे लगते हैं, लड़काई में तुमने जो किया वो तुम्हारे खेलने की अवस्था थी, लेकिन यहाँ पर लड़काई नहीं है इसलिए तुम्हारी ये बात यहाँ से जुड़ नहीं रही। और आपने कहा यह धन पर ममता ना बेटा, ये तुम्हारी दृष्टि में ममता होगी, तुम्हें लगता होगा कि परशुराम जी ममता कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमने एक शब्द प्रयोग किया था कि क्रोधित का है, बहुत क्रोध है, दुखी क्यों हो रहे हो, ना
दुखी और वो भी हम। हमारे जीवन में दुख इस बात का, भाई दुख होता कहां से है? तो कहा गया दुख और सुख उसको प्राप्त होते हैं जो राग और द्वेष से संबंधित होता है, उसको दुख और सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि योग दर्शन में बताया गया कि सुखानुसही राग और दुखानुसही द्वेष। जिसको द्वेष है वो दुखी होगा। तो हमारा यहाँ पर राग और दोष नहीं है, बल्कि हमारा यहाँ अनुराग है। और अनुराग जो है वो हमारा इसको परमात्मा का स्वरूप मान के है। क्यों? क्योंकि ये भगवान शंकर के हाथों की शोभा रहे, इसलिए हम शिव समान इन्हें मानकर पूछते रहे और भगवान शंकर की तरह ही हमारे हृदय में इनके प्रति भक्ति है, आस्था है, इसलिए इनके प्रति हमें ममता नहीं बल्कि श्रद्धा है। इसलिए हमारा कहना है रे न बालक काल बस बोलत तो इन सवार धन ही समत्र पुरारी धन विदित सकल संसार। आइए महाराज बढ़िया